हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल रेफरेंसेस के बारे में। आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किसे किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, ये सब आप सीख चुके हो। अब हम पढ़ रहे हैं रेफरेंसेस के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सेल रेफरेंस होता क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमेज में कुछ आइटम्स हैं, आइटम 1, 2, 3 और 4, इनके क्वान्टिटी, रेट और टोटल अमाउंट, जो कि आया है क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने से। एंड में ग्रैंड टोटल, यानी कि इस पूरे जो परचेज या सेल है उसका टोटल अमाउंट क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फंक्शन यूज़ किया है सम का। अब सम में हम एक चीज़ तो ये कर सकते थे कि हम मैनुअली नंबर्स लिख देते, 229156, 297014, 187050, 80208, ये नंबर्स हम लिख सकते थे, पर इसमें समस्या थी। सोचो अगर आपने एक नंबर भी गलत लिख दिया, एक डिजिट भी, तो आपका पूरा टोटल गलत हो जाएगा। दूसरा, आपको कई अलग अलग नंबर्स को लिखने के लिए टाइम लगेगा, इतने सारे नंबर्स देख के लिखने में आपको टाइम लगेगा। और तीसरा, अगर आपको कोई भी नंबर चेंज करना हुआ तो जितने फॉर्मूलेज में आपने मैनुअली लिखा है आपको सभी में वो नंबर्स मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टोटल प्रॉब्लम्स आती है अगर हम मैनुअल नंबर्स लिखते किसी भी फॉर्मूले में। जैसे टोटल हमने किया था, वहाँ पर हमने मैनुअल नंबर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, इसके 3 मुख्य कारण हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है प्रोसेस, दूसरा इसमें एरर्स हो सकते थे, और तीसरा रीज़न कि अगर आप कहीं भी कॉपी करना चाहते हैं फॉर्मूले को तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने मैनुअली नंबर्स लिखे हैं। दूसरी जगह ऑब्वियसली आपके अमाउंट्स दूसरे होंगे, तो हम इस फॉर्मूले को कॉपी भी नहीं कर सकते, हमको दोबारा एंटर करना पड़ेगा। कोई भी चेंज किया तो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम नंबर्स नहीं लिखते। हम एक्सेल को कमांड देते हैं कि ये जो सेल है E3 से लेकर E6 तक, इन सेल्स में आपको जो भी डेटा दिख रहा है उसको आप ऐड कर दो। हमको ये नहीं पता क्या नंबर है, आपको जो भी नंबर इसमें लिखा है आप उसको ऐड कर दो। हमने एक्सेल को ऐसा कमांड दिया है। इससे क्या होगा, आपको पहली चीज़ कि मैनुअल नंबर्स नहीं लिखने पड़े, दूसरा आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपने सिर्फ सेल का नाम लिख दिया आपका फॉर्मूला लग गया, और तीसरा अगर आपने कोई भी चेंज करना है अगर आपको, तो आप बस सेल में चेंज कर दो, फॉर्मूलेस अपने आप अपडेट हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 प्रॉब्लम्स इनके साथ सॉल्व हो जाती है सेल रेफरेंसेस के साथ। हमने यहाँ पर सेल को रेफ़र किया है, E3 रेफ़र किया है हमने कि E3 से डेटा उठाना है। तो ये हो गए आपके सेल रेफरेंसेस, ठीक है। ये जो बीच में कोलन लगा है E3:E6, इसका मतलब होता है E3 से E6 तक, ठीक है। कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में जो सेल का नाम है उससे लेकर राइट हैंड साइड वाले सेल तक, E3 to E6, ये होता है कोलन का मतलब, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अमाउंट क्यों नहीं लिखते और हम सेल का नाम क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 3 तरह के रेफरेंसेस हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेटिव रेफरेंस यानी कि देखिए A1 और B100, इनमें कोई डॉलर का साइन कुछ नहीं है, ये होता है रिलेटिव फॉर्मेट। एब्सोल्यूट फॉर्मेट में आपके जो कॉलम का अल्फ़ाबेट है और रो का जो नंबर है, उन दोनों के पहले आपका डॉलर का साइन लगा होता है। डॉलर का साइन मतलब जब आप ड्रैग करेंगे इसको, ड्रैग हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं 4 में से, तो आप जहाँ भी इसको ड्रैग करोगे तो उसका ना तो कॉलम का अल्फ़ाबेट चेंज होगा और ना इसका रो का नंबर चेंज होगा। यानी कि अगर आपने नीचे की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ड्रैग किया है तो आपका रो चेंज नहीं होगा, और अगर आपने राइट या लेफ्ट में ड्रैग किया है इसको कॉलम्स को, तो उसका कॉलम भी चेंज नहीं होगा। वो फार्मूला हमेशा एक ही सेल पर कैलकुलेशन करेगा, आप कहीं भी इसको कॉपी पेस्ट कर दो। जिस सेल में आपने डॉलर लगा दिया, एक्सेल हमेशा सिर्फ उसी सेल में कैलकुलेशंस करेगा। और मिक्स्ड रेफरेंस यानी कि दोनों का मिक्सचर, इसमें आपका कॉलम का अल्फ़ाबेट और रो का नंबर, इनमें से एक होता है रिलेटिव यानी बिना डॉलर के, और एक होता है एब्सोल्यूट यानी कि उसके पहले डॉलर लगा होता है। जैसा कि आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हैं, ए के पहले डॉलर लगा है यानी कि ए एब्सोल्यूट है, और 1 के पहले डॉलर नहीं है यानी कि 1 रिलेटिव है। B100 में भी ऐसा ही है, बी इसमें रिलेटिव है और 100 एब्सोल्यूट है। इन तीनों का क्या यूज़ होता है वो हम अब समझ लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर 3 तरह के डेटा हैं। पहले में कुछ आइटम्स के नाम हैं, उनके क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है। सेकंड में हमारा डॉलर में कुछ अमाउंट है जिसे हमको रुपी में कन्वर्ट करना है, और तीसरे में हमारे एक इंटरेस्ट की टेबल है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। यहाँ पर हमें क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमें मिल जाएगा कि टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और हमको एक अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, फिल हैंडल की हेल्प से ड्रैग करना आप सीख चुके हैं, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए फॉर्मूलेस अपने आप अपडेट हो गए। आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ही सेल में लगाना पड़ा, पहले सेल में, बाकी के जो तीन सेल थे आपने जब अपने फॉर्मूले को ड्रैग किया नीचे की डायरेक्शन में तो आपको इसके अंदर मैन्युअली फॉर्मूले नहीं लगाने पड़े। क्यों? आपने जब इसको ड्रैग किया तो एक्सेल ने अपने आप जो इसके सेल रेफरेंसेस थे उनको भी अपडेट करके एक एक सेल नीचे लाता गया। देखिए यहाँ पर आपका दोनों सेल हाईलाइट हो गए, क्वांटिटी और रेट आइटम वन के अकॉर्डिंग। जब आपने इसको ड्रैग किया तो देखिए क्वांटिटी और रेट आइटम टू के हिसाब से चेंज हो गए, फिर उसके तरह नीचे क्वांटिटी थ्री फोर, इन सब में अपने आप आपके जो रेफरेंसेस है वो चेंज हो रहे हैं। ये होता है रिलेटिव रेफरेंस का यूज़। इसमें कोई डॉलर नहीं था इसलिए चेंज हो गए। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार से ड्रैग करना हो किसी भी डायरेक्शन में तो आप अपने डेटा को रिलेटिव रेफरेंस के मोड में रखिएगा, ताकि जब आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करें या फिर ड्रैग करें कहीं पर, तो आपके फॉर्मूले अपने आप चेंज हो जाएं, नई वैल्यू के हिसाब से अडाप्ट हो जाएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का क्या यूज़ है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट दिए गए डॉलर्स में और ऊपर है हमारा कन्वर्जन रेट। हम चाहते हैं कि जब हम डॉलर के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कन्वर्जन रेट के साथ तो हमें INR में अमाउंट मिल जाएगा, पर हम ये नहीं चाहते कि 73 जिस सेल में लिखा है वो चेंज हो। क्यों? क्योंकि हर डॉलर का अमाउंट उस एक ही सेल से जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो हमको INR में अमाउंट मिलेगा। क्योंकि उस सेल के अलावा अगर किसी सेल से मल्टीप्लाई हुआ तो हमको सही अमाउंट नहीं मिल सकता। तो अगर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू डॉलर मल्टीप्लाइड बाय G1, यानी कि जिस सेल में हमारा कन्वर्जन रेट है, और हमने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके एरर्स आ गए। क्यों? क्योंकि सेकेंड सेल में आप देख रहे हैं आपका डॉलर का अमाउंट वाला सेल तो चेंज हुआ, लेकिन साथ ही साथ आपके कन्वर्जन रेट वाला सेल भी चेंज हो गया। रिलेटिव रेफरेंस में जितने भी सेल्स होते हैं सारे आपके ड्रैग करने के साथ अपडेट हो जाते हैं, पर यहाँ पे हम G1 वाले सेल को अपडेट नहीं करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि ये हमेशा एक ही सेल से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर हमको इसको रिलेटिव से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक चेंज करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर कई अलग अलग प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपका एक में एरर आ गया। क्यों? क्योंकि वर्ड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमें इसमें चेंज करना होगा। जो G1 है ना, यहाँ पर हम इसको एब्सोल्यूट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। शॉर्टकट की होती है F4, आपके रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स तीनों में चेंज करने के लिए, या फिर आप मैनुअली डॉलर भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर भी F4 दबाया तो देखिए जी और वन दोनों के पहले यहाँ पर डॉलर्स लग गए। इसका मतलब है ये सेल अब चेंज नहीं होगा, आप कितना भी इसको ड्रैग करें, कहीं भी इसको पेस्ट करें, आपका सेल हमेशा G1 ही रहेगा। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया। अब हम इस फॉर्मूले को दोबारा ड्रैग कर रहे हैं। जब हमने इसको दोबारा ड्रैग कर लिया तो देखिए अभी ये सेल से मल्टीप्लाई हुआ, अभी भी सिर्फ एक सेल बदल रहा है जिसमें डॉलर का अमाउंट है, आपका 73 वाला सेल हमेशा सेम है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास मिक्स्ड रेफरेंस का, यानी कि हम यहाँ पर या तो रो चेंज करना चाहते हैं ड्रैग होने पर, या फिर कॉलम, हम दोनों ना तो चेंज करवाना चाहते हैं ना दोनों को रोकना चाहते हैं। ठीक है, हम या तो कॉलम को फिक्स करेंगे या फिर रो को फिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर ऊपर की जो आपकी हेडिंग्स है टॉप रो में, वहाँ पर आपको दिख रहे हैं अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर आपको दिख रहे हैं अलग अलग अमाउंट जो आपके इंटरेस्ट रेट है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इस डेटा को हटा देते हैं, हम दोबारा एंटर करेंगे। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो आपका 10,000 आ गया। अब हमको सारे इतने सारे सेल में हम मैनुअल फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक सेल में फॉर्मूला लगाएं और बाकी सारे सेल्स पर डाउन और राइट डायरेक्शन में ड्रैग कर लें। पर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे समझते हैं इनको। हमने जब इसको ड्रैग किया तो अमाउंट सही नहीं आ रहा,
अमाउंट गलत आ रहा है। देखिए 10,000, फिर 1250, 187, 32, हमारा अमाउंट बढ़ना चाहिए था क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। आपका जो 12.5% का इंटरेस्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा बजाय 10% के, लेकिन यहाँ पर आपका अमाउंट में उल्टा आपको कम मिल रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि अब इसने 1,00,000 की जगह सेल को नीचे ले आया है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहा है 12.5% को, फिर वो उसके नीचे ले आया जब भी आपने ड्रैग किया। क्यों, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में हमेशा हर ड्रैग के साथ आपका सेल चेंज होता है, आप जितने नीचे ले जाएंगे उतना ही आपके सेल चेंज होते जाएंगे। इसीलिए हम जो हमारे 1,00,000 वाला सेल है उसको हम एब्सोल्यूट बना सकते हैं और जो परसेंटेज है उसको रिलेटिव बना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसको एडिट कर रहे हैं, हमने अभी 3 के पहले डॉलर लगा दिया ताकि 3 फिक्स हो जाए। ठीक उसी तरह हम J के पहले भी डॉलर लगा लेते हैं, ये अब हमारा फिक्स रेफरेंस हो गया है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। हमने इसको ड्रैग किया, हम इसको राइट साइड में भी ड्रैग कर लेते हैं, पर यहाँ पर देखिए जो आपका 1,00,000 है वो ड्रैग किया हमने कॉलम को राइट हैंड साइड में, तो आपका 10% जिस सेल में लिखा था यानी कि I4 में, वो आपका चेंज होकर J4 हो गया है क्योंकि राइट हैंड साइड में ड्रैग किया आपने। तो जब आपने ड्रैग किया है तो आपका जो कॉलम है वो भी चेंज होता है। जब आप अपवर्ड या डाउनवर्ड इनमें से किसी डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं तो आपकी रो चेंज होती है, और जब आप राइट या लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो आपका कॉलम चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी रो तो 4 ही है लेकिन कॉलम आई से जे बन गया है। अब आपने 1,00,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर आंसर में आया कि वो सेल में आ भी नहीं पा रहा। तो हम यहाँ पे ये नहीं चाहते कि आपका परसेंटेज के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, ताकि जब आप इसको राइट हैंड साइड में ट्रैक करें तो आपका कॉलम चेंज ना हो। देखिए यहाँ पर आपका कॉलम चेंज हो रहा है, पर हम ये भी चाहते हैं कि जब आप इसको राइट हैंड साइड में ट्रैक करें तो अगला अमाउंट 2,00,000 के साथ मल्टीप्लाई हो, देन 3,00,000, देन 4,00,000। पर इसमें आप देख सकते हैं कि आपका अमाउंट 10% कभी भी सिर्फ 1,00,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 या 3 या 4 लाख से नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाया। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब कॉलम भी फिक्स और रो भी फिक्स, तो हमें यहाँ पर कॉलम को रिलेटिव बनाना पड़ेगा ताकि जब आप इसको राइट हैंड साइड में ड्रैग करें तो अगला परसेंटेज है वो 1,00,000 से मल्टीप्लाई होने की जगह 2,00,000 से मल्टीप्लाई हो, 3,00,000 से हो, 4,00,000 से हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें से डॉलर हटा देते हैं। अब हमने इसको नीचे ड्रैग किया और अब हम इसको राइट हैंड साइड में ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब हमारा एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हुई है कि हमारा अगला अमाउंट अब 1,00,000 की जगह 2,00,000, 3,00,000 और 4,00,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर एक प्रॉब्लम अभी भी है, परसेंटेज अभी भी परसेंटेज सिर्फ पहले सेल में ही है, उसके बाद आपके नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसके कॉलम को फिक्स कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर इसके कॉलम को फिक्स कर दिया है। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आपका सही आंसर आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पर परसेंटेज का कॉलम फिक्स किया है और अमाउंट की रो फिक्स की है, तो इसकी मदद से हमारा सही आंसर आएगा। इसको कहते हैं मिक्स रेफरेंस का यूज़ करना। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपरली एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस मतलब कोई डॉलर नहीं लगा रहेगा आपके किसी भी अमाउंट के पहले, ना आपका कॉलम का अल्फ़ाबेट ना ही आपका रो का नंबर, दोनों के पहले आपका कोई डॉलर नहीं लगा रहेगा। डॉलर नहीं लगा मतलब रिलेटिव है। ठीक है, हम इस एग्जांपल में देखना चाहते हैं कि हमको अगर एक सेल में हमने फॉर्मूला लिख दिया और हम ड्रैग करते हैं तो हमारा रेफरेंस चेंज होता या नहीं होता। इसलिए हमने जब इसमें अमाउंट लिख दिया तो हम दूसरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर Ctrl+D प्रेस करेंगे। ड्रैग का ही शॉर्टकट है Ctrl+D, इसका मतलब था कॉपी डाउन। इसमें आपको जो फॉर्मूला है वो नीचे वाले सेल्स में कॉपी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सही आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और जब भी आप किसी दूसरे फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। जब भी आप रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करते हैं तो हर अगले सेल में आपके रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। ये आपको तब यूज़ करना है जब आपका फॉर्मूले में हमेशा आपको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हो, जैसे आइटम 1 के क्वांटिटी रेट, देन आइटम 2 के क्वांटिटी और रेट, देन आइटम 3, आइटम 4, हमको चेंज करने थे हर बार, इसलिए हमने रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ किया है। देन आपके पास अगला एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसमें आपका जो कॉलम का अल्फ़ाबेट है और रो का नंबर है, इन दोनों के पहले आपका डॉलर लगा होता है। डॉलर का मतलब है कि आपका ना तो कॉलम चेंज होगा ना रो चेंज होगी। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमको
जो हमारे यूएसडी में जो अमाउंट है उसको हमको मल्टीप्लाई करने कन्वर्जन रेट से, ताकि हमको इंडियन रुपी में इसका आंसर मिल जाए। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स लगाया, डॉलर का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 73, और 73 में एच और वन, जो एच वन इसका सेल है, उन दोनों के पहले हमने डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन लगाने से क्या होगा कि अब आप जब भी इसको ड्रैग करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ यूएसडी वाला अमाउंट जो कि रिलेटिव है सिर्फ वो चेंज होगा। आप देखें हर बार ये 73 एच वन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका एक यहाँ पर, जब आपको इस प्रकार की नीड हो कि आप नहीं चाहते कि आपका कोई सेल चेंज हो, तो आप उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है हमारे पास मिक्स रेफरेंस। आप या तो कॉलम चेंज कर सकते हैं या फिर आप रो नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही चेंज नहीं करने, किसी एक को ही चेंज करना है, तो मिक्स रेफरेंस एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि हमने अभी देखा था एक्सेल में। ऊपर की जो टॉप रो है वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटरेस्ट रेट है, और जो आंसर आएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट आएगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम इसको 1 लाख को ड्रैग करेंगे तो हम नहीं चाहते थे कि 1 लाख चेंज हो, तो हमने रो को फिक्स कर दिया, ताकि हर बार जितनी बार भी नीचे ड्रैग करेंगे हम रो चेंज ना हो, हमेशा 1 लाख से मल्टीप्लाई हो, पर इंटरेस्ट रेट चेंज होना चाहिए, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट की रो को रिलेटिव रखा था। ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन हमें जब इसको राइट में ड्रैग करना है, तो हम चाहते हैं कि जब भी राइट में ड्रैग हो तो 1 लाख चेंज होकर 2 लाख से मल्टीप्लाई हो, देन 3 लाख से, 4 लाख से, इसलिए हमने जो जिस सेल के अंदर अमाउंट है उसके कॉलम को रिलेटिव रहने दिया, ताकि कॉलम चेंज हो जाए, पर हर बार 10% से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए हमने जिस सेल में इंटरेस्ट रेट है उसके कॉलम को हमने फिक्स कर दिया। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपको आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखेगा। हमारा जो J4 है उसका कॉलम फिक्स है, रो चेंज होगी, और जो हमारा K3 यानी कि अमाउंट उसका रो फिक्स है, कॉलम चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए जब हम राइट हैंड साइड में ड्रैग करें, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, और जब हम नीचे ड्रैग करें तो हमारा अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। इसी शीट को अगर आप एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेफरेंसेस अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो हमने जब ये फॉर्मूला लिख दिया तो आपको नीचे ड्रैग करना है कंट्रोल डी से, और फिर आप इसको कंट्रोल आर की मदद से राइट हैंड साइड में भी ड्रैग कर सकते हो। तो देखिए आपका यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया है। आपको अगर अपने किसी भी रेफरेंस में चेंज करना है, आपको एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस में चेंज करना है, तो आप F4 भी दबाएंगे अगर सेल को सिलेक्ट करके, तो भी आपका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो ये थे हमारे रेफरेंसेस। आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम सेल का कस्टम नेम रखना सीखेंगे कि इसका क्यों यूज़ होता है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।